इस ट्यूटोरियल में हम प्रपेंडिकुलर बाई सेक्टर थियोरम प्रूव करेंगे विच स्टेट्स दैट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ये लाइन सेगमेंट ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट यानी कि इस लाइन सेगमेंट के प्रपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हो वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा यानी कि जैसे ये मैंने पॉइंट लिया सी तो ए सी इज कॉन्ग्रेन टू बी सी एंड अगर मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ डी कोई भी और पॉइंट लेता हूँ से डी देन ए डी इज कॉन्ग्रेन टू बी डी सो दिस इज वाट वी हैव टू प्रूव सो लेट्स डू देट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट और लेट्स अज्यूम के ये लाइन सेगमेंट है से ए एंड लेट्स लेटम कि मैं ये एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर को एक्चुअली कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो हम ऑलरेडी एक वीडियो में सीख चुके हैं अगर आपको वो देखना हो तो उसका लिंक टॉप राइट कॉर्नर में डिस्प्लेड है आप उसको देख सकते हो अब ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो इसका मतलब ये एंगल होगा नाइन्टी डिग्री और ये इस लाइन सेगमेंट को बराबर के दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा यानी कि यानि की एस टू ओ बी दिस इज गिवन ऑल्सो हमारे पास क्या गिवन है अगर मान लो इसके ऊपर मैं कोई भी एक पॉइंट ये पॉइंट ले लेता हूँ से दिस इज पॉइंट सी तो हमें ऑलरेडी एक चीज और गिवन है कि एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रू एंगल बी ओ सी क्यों क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं वाई बिकॉज सी ओ इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी अब हमें प्रूव क्या करना है प्रूव यह करना है कि अगर मैं इसको ज्वाइन करूं ए को मैं सी से ज्वाइन कर दूं और सी को मैं बी से ज्वाइन कर दूं देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन यानी कि टू प्रूफ क्या है मेरे पास टू प्रूव है ए सी इज टू बी सी तो इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ट्रायंगल ए सी इज टू ट्राइंगल बी ओ सी तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए सी इज कॉन्गोर टू बी सी लेस डू दैट नाउ वाई ऑलरेडी हैव एज कॉन्ग्रेन टू ओ बी इट इज गिवन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी बोथ आर नाइन्टी डिग्री ऑल्सो ये लाइन जो है ये ए सी और बी ओ सी ट्राइंगल की कॉमन लाइन है दैट इज लाइन ओ सी इज कॉन्ग्राइन ओ सी बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नाव वी हैव साइड एंगल एंड साइड सो बाय साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट यह कहता है कि दो साइड और उसके बीच का एंगल और दूसरी ट्राइंगल की भी दो साइड्स और उसके बीच का एंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो तो ट्राएंगल्स कांग्रेन होती हैं सो बाय एस एस वी कैन से दैट ट्राइंगल ए सी इज कॉन्ग्रट टू ट्राएंगल बी ओ सी नाउ सी पी सी टी सी विच मीन्स कॉरसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट दिस एम्प्लाइज ए सी Is congruent to BC, hence proved. So that's it from this tutorial. If you like the video, please subscribe and keep watching. Methemafia.